हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ को अगर ई से रिप्रेजेंट करें और पोटेंशियल डिफरेंस को वी से रिप्रेजेंट करें तो ई और वी के अंदर क्या रिलेशन होगी वो यहाँ पे डिराइव करते हैं। हमने एक ईएमएफ वाली और आर इंटरनल रेजिस्टेंस वाली एक बैटरी ली और उसको एक की और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट किया। तो इस फिगर को हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में काउंट होएगा, तो हमने यहाँ पे सीरीज में लगा लिया। और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है अक्रॉस द इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी, उस इलेक्ट्रोड के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ये रेजिस्टेंस है, तो ये इस तरह से फिगर के अंदर हम दिखा सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें ईएमएफ वाली बैटरी आई करंट को भेज रही है जो कैपिटल आर और फिर यहां से आते हुए स्मॉल आर रेजिस्टेंस के अंदर से वापस आ रहा है, तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट हुआ। तो अगर हम ईएमएफ के लिए ओम्स लॉ लिखें तो ई इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है आई और सीरीज में है दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे आर और समोल आर, तो हम इनको लिख सकते हैं आर प्लस समोल आर। तो हमें मिला ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई समोल आर। लेकिन अगर इस वोल्ट मीटर को ध्यान से देखें, यहाँ की बजाय हम यहाँ भी लगा सकते हैं, एक ही बात है ये। तो अगर हम कंसीडर करें ये वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो चाहे हम यहाँ लगाएं या फिर हम यहाँ लगाएं एक ही बात है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, इस रेजिस्टेंस और इसके अंदर से जाने वाले करंट की मल्टीप्लाई यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी जो मेजर करेगा वोल्ट मीटर वो हमें बताएगा आई आर के बारे में, तो इस आई आर की जगह पे हम वी पुट कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। फिगर बी इज इक्विवेलेंट फिगर ऑफ फिगर ए, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो फिगर बी से हम क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, और ये हमने देख लिया आई आर की वैल्यू हम वी पुट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा ई इक्वल टू वी प्लस आई आर और वी इक्वल टू E माइनस आई आर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इफ आई इक्वल टू जीरो, अगर सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करना अगर बंद हो जाए तो आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो उस केस में इक्वेशन स्टार क्या बन जाएगी, ई इक्वल टू बी, तो ई एम एफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। दस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल इज इक्वल टू ई एम एफ ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल।